आज हम बनाएंगे ये नए तरीके की झटपट बन जाने वाली आलू टिक्की। स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू पूनम की रसोई। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक कर दें। ये मैंने 6 मीडियम आलू लिए हैं, जिन्हें उबाल के छिलके रख लिया है। अब इन सबको हल्का प्रेस करके रख लेंगे। इस तरह सारे कर लिए हैं। इस पे कोटिंग के लिए 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, साथ ही 1 छोटा चम्मच चावल का आटा, जो इसे क्रिस्पी बनाएगा। स्वाद अनुसार डाल देना है नमक। 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च डालकर आलू पर सबको अच्छे से कोट कर लेंगे। इस तरह से गैस पर तवा रख लिया है। सेलो फ्राई करने जितना ऑयल डाल देना है। तेल गर्म हो जाने पर आलू फ्राई होने डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट बाद पलट लेंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ हल्की लाइट ब्राउन कोटिंग आ गई है, दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। पलट पलट के आलू को हम क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। बढ़िया फ्राई हो गए हैं, निकाल लिए हैं। प्लेटिंग कर लेते हैं। एक बार आप इस तरह से भी टिक्की बना के देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब इस पर थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी लाल मिर्च, भुना जीरा पाउडर डाल देना है। अब इसमें डालेंगे फ्रेश दही, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था। साथ ही डाल देना है हरी चटनी और मीठी चटनी। दोनों चटनी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, या आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी रेसिपी देख सकते हैं। ऊपर से डाल रही हूँ नायलॉन सेव, आप पर बेसन, आलू भुजिया जो भी हो डाल सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है गरम गरम आलू टिक्की चाट। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।